हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों, आप थंबनेल और टाइटल देख करके तो समझ गए कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने सही समझा, आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में आप अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने से क्या फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इससे ये फायदा होगा, यदि आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना खोल लेते हैं तो आपके अकाउंट में चाहे जीरो बैलेंस हो तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, यानी कि तो कोई भी आपको ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एयरटेल पेमेंट बैंक में यदि आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप पेमेंट करने के लिए यूपीआई, गूगल पे, फोन पे और सारे भी ट्रांजेक्शन जो भी एप्लीकेशन है उनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आपको किस तरह से एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोलना है। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर। तो हम अपने प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है एयरटेल थैंक्स, एयरटेल थैंक्स। ठीक है, यानी कि आपको ये पहला वाला यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, इसको आपको सर्च कर लेना। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सेकंड में जो एप्लीकेशन दिख रहा है एयरटेल, ये आपको लोगो दिख जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि जिन लोगों के पास एयरटेल की सिम नहीं, क्या वो भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो गाइज, हाँ जरूर खोल सकते हैं। आपका ये भी जो कन्फ्यूजन है वो भी आप सभी को दूर कर देना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका चाहे एयरटेल का सिम हो, जियो का सिम हो, किसी भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं उससे कोई मायने नहीं रखता, वो कोई मैटर नहीं करता। आपको बस एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना आना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना किसी भी सिम का यूज करके, कोई भी सिम यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सभी एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर सीधे क्लिक कर देते हैं। आपके सामने स्टार्टिंग में इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको पहले अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। जो भी मोबाइल नंबर में आपको अपना एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करना है यानी अकाउंट खोलना, उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे फटाक से कोई नंबर फिल कर देते हैं। उस नंबर पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने नंबर फिल कर दिया, हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया गया है ओटीपी। उसके बाद यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगेगा कि आपकी कौन सी लोकेशन, तो आपको यहाँ पे इनकी परमिशन को अलाउ करना है। जो भी परमिशन इनके हैं सभी को आपको अलाउ करना होगा, तो हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। ये पेज ओपन होने के बाद गाइज, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, सिंपल सी नीचे कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे देखा मैनेज पे शॉप एंड हेल्प। ठीक है, तो आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे गाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको गेट वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक वॉलेट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपना एयरटेल मनी वॉलेट यहाँ पे तैयार करना है। उसके लिए आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पिन कोड और आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जिस आईडी प्रूफ से यहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट्स में मनी वॉलेट तैयार करना चाहते हैं यानी कि क्रिएट करना चाहते हैं, वो सिलेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा, जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट देकर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक एम पिन क्रिएट करना है। ये पिन आप जो भी ट्रांजैक्शन लेते हैं या ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी पेमेंट विड्रॉ करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो आपको ये एम पिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये चार डिजिट का एक नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा, कोई भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जैसे कन्फर्म पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी को फिल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सो कन्फर्म वाले ऑप्शन पर हमने जैसे क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो वॉलेट का लिमिट दे रखा है मंथली 9,000 रुपए का दे रखा है। यहाँ पे आपको कैशबैक का ऑफर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो ये डिटेल्स के आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना सिंपल सी। तो हम इस एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे गाइस आपको ऐड मनी का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा जीरो बैलेंस दे रखा है यानी जीरो बैलेंस लो दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दे रखा अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट्स, तो यहाँ पे आपको अपग्रेड नाउ पर आप क्लिक करके यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दे रखा अपग्रेड अकाउंट, इस पर भी आप क्लिक करके 7% जो अकाउंट का सेव कर सकते हैं डिस्काउंट। यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट आप सेव कर सकते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे, तो हम यहाँ पे अपग्रेड टू सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको कंसेंट देकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फटाफट से हम ये फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं।
तो हमने नेक्स्ट पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, मार्टल स्टेटस शादीशुदा हो या अनमेरिड हो, ईमेल आईडी, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफेशन सेलेक्ट करना है आपका, इनकम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, ईमेल आईडी वगैरह मार्टल स्टेटस भरने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर, लोकल सिटी, पिन कोड, स्टेट, सिटी सिलेक्ट करके आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल भरनी है कि नॉमिनी नेम आपका कौन क्या लगता है, तो यहाँ पे आपको भर देनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, सिलेक्ट नॉमिनी, रिलेशन यहाँ पे बता देना जो भी रिलेशन है आपका। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना है नॉमिनी का, यहाँ पे हमें नॉमिनी एड्रेस भरना, हाउस नंबर, पिन कोड, स्टेट, सिटी वगैरह सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करना है। तो हमारा वी आर ऑलमोस्ट देयर, तो यहाँ पे हमारा गाइस लगभग डन हो चुका है। शेड्यूल नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन यहाँ पे केवाईसी होगी जो वीडियो कॉल के तौर पर होगी, यानी कि वीडियो कॉल से एक ऑनलाइन केवाईसी होगी, तो आपके यहाँ पे वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल गया है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते तो हमारा यहाँ पे वीडियो कॉल ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन एक केवाईसी होगी। तो गाइस यहाँ पे आपको एक एजेंट मिलेंगे, एजेंट आपके वीडियो कॉल्स पे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इन एजेंट से आपको गाइस कोई क्वेरी तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आपको एक प्लेन पेपर भी लेकर बैठना है, पेन लेकर बैठना है, जैसे कि आप कोई भी सवाल वगैरह पूछते तो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लेकर के बैठना है। यहाँ पे आपके एक सेल्फी ली जाएगी, तो ये सारी डिटेल आपकी जैसे केवाईसी में कंप्लीट हो जाएंगे, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।